हेलो हमारे प्यारे देशवासियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य में एक विशेष चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। जो हम लोग हैं, हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका विकास किस प्रकार हुआ है और उसे जनभाषा किस प्रकार बनाया गया है, इसके विषय में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा का जो है शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। ठीक है, जो हमारे समाज में फैली हुई भाषा है वो हमारी भाषा क्या है, हिंदी। उसी के विषय में देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विमर्श का माध्यम हो, ठीक है, वह क्या है, वह राष्ट्रभाषा है, हमारी माँ है, हमारी भाषा है, जिसे हम सभी हिंदू वासियों हम एक साथ कहते हैं बड़े गर्व से कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता का एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है वो हम सब लोगों के लिए एक आचार विचार का माध्यम बनती है। बिना राष्ट्रभाषा के हम सभी उसी प्रकार अधूरे हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के बिना अधूरा रहता है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होती हैं। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी भाषाएं, उर्दू, सब की अपनी भाषाएं होती हैं। ठीक है, जिसको लोग एक माध्यम बना लेते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग होता है, जिसे हम जन्म लेते ही ग्रहण करते हैं, जो हमारे देश में जिस समाज में हम जन्म लेते हैं वहाँ पे जो बोली जाती है जो भाषा, वही उसकी क्या राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। जैसे हम आप सभी भाई बहनों, हम लोग जो हैं एक भारतवासी हैं और हमारे देश की भाषा जो है हिंदी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुआ, हिंदी है, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगा है। तो हमें अपने भाषा से अधिक प्रेम करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके हिंदी का विकास विस्तार करना चाहिए। वैसे तो देखिए, हमने कहा ना, वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होती हैं। हाँ, जहाँ जिस देश में जाएंगे जो भाषा बोली जाती है उसको उस देश की क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं। किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं का जो है प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी, हमें सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ये तो ठीक है, पर हमें अपनी मातृभाषा का को छोड़कर किसी अन्य भाषा का इतना अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी अपनी मातृभाषा को ठेस पहुँचे। लोग कहते हैं ना, अपनों को छोड़कर पराए हमें को इतना लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने होते वही साथ देते और पराया नहीं साथ। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए हम आप लोगों से आज के वीडियो में यह अनुरोध भी करते हैं कि अधिक से अधिक इस भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक से अधिक हमारी भाषा का विस्तार होगा उतने अधिक से अधिक हमारी हिंदी भाषा फलेगी, फूलेगी, हरेगी, भरेगी और पनपेगी। इसलिए हमें अपने भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।
किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वही राष्ट्रभाषा है ना। हमने आपको बताया ना, जिसे हम अधिक से अधिक समझने लगते वही हमारे राष्ट्रीय भाषा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। जब कहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या कहीं भी लड़ाई झगड़ा होती है तो हमें क्या होता है, अपने राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने किया। भारत में इस आवश्यकता की पूर्ति किसने किया, हिंदी ने किया है। हिंदी 1947 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रभाषा बनी है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों से युद्ध छिड़ा था और अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो है समय जो है कौन सी भाषा सबसे सामने आई, राष्ट्रभाषा। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा को संभाल के रखना चाहिए। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक व्यवहारिक जन्मजात प्राप्त शब्द है। मैंने कहा ना, जब हम इस भारत में जन्म लेंगे तो ये भाषा हमें एक उपज के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही भाषा है। जैसे और ये हमारे आम बोलचाल की भाषा है, इसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हमें हिंदी का अपने व्यापक ज्ञान होना चाहिए, और जो कि इसके लिए हमें बहुत अधिक मतलब ये होना चाहिए कि हम भाषा को एक एक अक्षर सीखे नहीं, क्योंकि ये तो हमारी जन्मजात भाषा है। जैसे जैसे हमारा विकास होगा वैसे वैसे भाषा हम अपने आप ही सीखते रहेंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। जो हमारी अपनी भाषा है वो हमें आपस में क्या जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना सिखाती है। राष्ट्रभाषा की पहली शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करता है। मैंने आपको बताया ना, एक दूसरे से प्रेम की भावना सिखाती है, भावनात्मक रूप से एकता पैदा करती। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, हम सभी में भाईचारा लाती है। वो एक ही भाषा है हिंदी। अगर आप किसी को आंटी बुलाइए तो वो प्रेम नहीं हो जाता रहता है, अगर किसी को चाची बुलाइए तो देखिए ऑटोमेटिक अपने आप प्रेम वो झलक रहा है, क्योंकि हिंदी एक बड़ी ही प्यारी भाषा है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है। राष्ट्रभाषा क्या, हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप जो है किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का स्वरूप बहुत ही सीधा साधा और लचीला होता है, और उसे जो है जनता में हम लोग किसी भी रूप में उसे ढाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधी साधी भाषा होती है, उसमें ऑटोमेटिक प्रेम की भावना रहती है। विद्यार्थियों एवं देशवासियों, आज मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो अपने देश से प्यार करते हों तो प्लीज़, अगर आप लोगों को कहीं लगा हो कि मेरी मेहनत आप लोगों के साथ है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ढेर सारे सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप लोगों को मेरे इस राष्ट्रभाषा में कहीं भी त्रुटि रह गई हो या कोई भी कमियां रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये मैं किसी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मैं पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे हिंदी प्रेमियों के लिए बना रही हूँ। और जो है कि जो राष्ट्रभाषा से प्यार करते हो उन सभी के